हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ डेपिलेट्री हीटर। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या प्रोडक्ट है, किस लिए यूज़ किया जाता है। और अगर नहीं जानते हो तो आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या काम आता है ये डेपिलेट्री हीटर और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये एक वैक्स हीटर है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये वैक्स हीटर है और इससे वैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। डेपिलेट्री वैक्स हीटर यहाँ लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की आपको मशीन मिलती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर इसका मेथड दिख रखा होता है कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। तो ये इसका बॉक्स है और अंदर से मशीन मिलती है। इसमें हमें ये मैनुअल कार्ड मिलता है जिसमें कि हमें वार्निंग्स, इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस, नोटिस सब कुछ लिख रखा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल में लिखा होता है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में आगे अभी बता दूंगी वीडियो में। तो ये है मशीन, कुछ इस तरीके की हमें मशीन मिलती है। इसकी जो प्राइस है वो आपको, ये आपको 600 से 800 के बीच में मिलेगा। अलग अलग ऐप पे ये आपको अलग अलग प्राइस में मिलेगा। कहीं पे आपको ये 600 में भी मिल सकता है, कहीं आपको 700 में, 800 में भी मिल सकता है। तो आप चेक कर लेना, जहाँ आपको अच्छी प्राइस में मिलता है आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ एक ट्रांसपेरेंट सा रहता है जिसमें कि हमें दिखता है कि अंदर कितनी वैक्स है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके की मशीन होती है, प्लास्टिक इसकी बॉडी है। यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर इसे लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसे फिक्स किया जाता है। वायर मिलता है, इसकी हेल्प से हम इसे गर्म करने के लिए रखते हैं। और यहाँ पर ये लाइट दी हुई होती है, जब आप इसे गर्म करने के लिए लगाते हो तो यहाँ पर ये रेड लाइट चल जाती है। ये है मशीन और कुछ इस तरीके की आपको इसमें कैप मिलती है, इससे आप इसे इस तरह से कवर करके रख सकते हो गर्म करने के लिए। इसमें हमें वैक्स को नहीं भरना होता है। इस हीटर से वैक्स करने के लिए कुछ इस तरीके की आपको रिफ़िल्स मिलेगी, इन रिफ़िल को आपको यूज़ करना होता है। यही रिफ़िल मैंने अभी इसमें लगा रखी है। इस तरह की आपको रिफ़िल मिल जाएगी, रीका की, बायोवैक्स की। सिर्फ यही रिफ़िल आप इन वैक्स में लगा सकते हो और बहुत ही ईजी हो जाता है वैक्स करना। ये इस तरीके से आपको ये खाली बॉक्स मिलता है अंदर, तो यहाँ पर आपको इस तरह से वैक्स, ये जो रिफ़िल होती है इसे फिक्स करना होता है और उसके बाद में गर्म करने के लिए प्लग में लगा देना होता है आपको। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी तरह के नाइफ से बार बार वैक्स नहीं लगानी पड़ती है। एक एक बार स्पैचुला से वैक्स लो और फिर इसे लगाओ, स्पैचुला से वैक्स लो फिर इसे लगाओ। इसमें क्या होता है, इसे आपको गर्म करने के लिए रखना होता है। एटलीस्ट आपको इसे 45 मिनट्स आपको इसे गर्म करने के लिए देने होते हैं। एंड देन जब ये अच्छे से गर्म हो जाती है उसके बाद में फटाफट से आपकी वैक्स इससे हो जाती है, आपको इसे बार बार गर्म नहीं करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से आपको बस यहाँ लगानी होती है वैक्स को, और आप एक ही बार में अपने पूरे हैंड पे लगा दो और फिर स्ट्रिप से आप खींच लो, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और आपको पार्लर जाने की भी नीड नहीं रहती है। इससे आप सेल्फ़ भी यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छी बात इसकी यही है। बहुत ही इजी हो जाता है इससे वैक्स करना। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, आपको बार बार नाइफ को यूज़ नहीं करना होता है। सेकेंड, कोई भी चांस नहीं होते हैं कि आपको गर्म वैक्स लग जाएगी या फिर आप जल जाओगे। थर्ड, ये आपको बहुत कम गर्म लगती है, बिल्कुल बहुत कम गर्म लगेगी। सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वैक्स से प्रॉब्लम होती है, बहुत गर्म लगती है वैक्स, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी गर्म नहीं लगती है ये वैक्स। फोर्थ, इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। आपको बार बार स्पैचुला से वैक्स लेके आप अपने हैंड पे वैक्स लगाते हो वो सारा प्रोसेस नहीं रहेगा, एक ही बार में आप अपने पूरे हैंड पे इसे लगा सकते हो। फिफ्थ, इसमें आपकी वैक्स जो होगी वो भी काफ़ी बचेगी, बहुत कम क्वांटिटी में वैक्स यूज़ होती है। सिक्स्थ, इसमें आपकी जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है जहाँ पर आप वैक्स करते हो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होती है जब आप इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इसके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी हाथ से नहीं लगाना है, बस ये मशीन है, इसी को अपने हैंड पे लगाना है और प्रोडक्ट जो होगा वो इसमें से निकलता जाएगा। इसमें एक बात का यही ध्यान रखना है कि इसे यूज़ करते हो तो आपकी वैक्स अच्छे से गर्म होनी चाहिए। आपको 45 मिनट से 1 आवर इसे अच्छे से देना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, एंड देन उसके बाद में आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मशीन है, इससे आपकी डे टू डे लाइफ जो होती है बहुत ही ईजी हो जाती है। बहुत से अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हम
सैलून पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आप घर बैठे खुद से वैक्स कर सकते हैं और बहुत ही इजीली और अपना टाइम सेव करके। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। इसे यूज़ करने के बाद में मैं किसी और वैक्स हीटर को पसंद ही नहीं करती हूँ, सिर्फ इसे ही यूज़ करती हूँ। ईका की जो रिफ़िल्स होगी आपको 300 में मिल जाएगी। इस वैक्स हीटर में आप जो नॉर्मल वैक्स होती है, हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स, ये यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको रीका वैक्स की जो रिफ़िल्स आती है उन्हें ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये रिफ़िल आपको ईजीली अमेज़ॉन और नायका पर मिल जाएगी। किस तरह से इसे यूज़ करके वैक्स करते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी। तो आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हो जिसमें किस तरह से इसे यूज़ करते हैं, वो मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप अगर जानना चाहते हो कि रीका वैक्स क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से रीका वैक्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो बहुत अच्छा वैक्स हीटर है, डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए।